Assalamualaikum, मैं सुलेखा अरफात सुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं फिश फिंगर्स। साधारण मैंने ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए ये है 400 ग्राम रावस मच्छी, बोनलेस है। आप कोई भी मच्छी ले सकते हैं, 500 ग्राम तक भी ले सकते हैं। और इसके इस तरीके से तीन पीस कीजिए और तीन पीस करने के बाद एक पीस लेकर उसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए, लंबे लंबे जो पतले स्ट्रिप्स आते हैं ना। मैंने एकदम भी पतले नहीं किए, एकदम भी मोटे नहीं, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से वो दोनों के भी लंबे लंबे मीडियम शेप के पीस कर लीजिए, स्ट्रिप्स मिल जाएगी तो फिंगर्स होंगे ना फिश फिंगर्स के लिए। अब जब ये सारी मिल जाए तो बहुत ही डेलिकेटली इसे धो लीजिएगा और अच्छे से धोने के बाद 5-6 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर छानने के लिए रख दीजिए, क्योंकि जो एक्सेसिव पानी रहेगा वो सारा निकल जाएगा ना। एक बाउल के अंदर 1 टेबलस्पून या 1.25 टेबलस्पून भरकर बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। अब नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, या फिर मैं यहाँ 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, 1 अंडा फोड़ कर डाल दीजिए। चुटकी भर रेड फूड कलर तंदूरी वाला डाल दीजिए, ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं। 4 टेबलस्पून भरकर कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मेरा वाला जो अंडा था ना, जैसे आपने देख रहे हो, थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर मैं एक और अंडा डाल देती हूँ। अब अगर आपका नॉर्मल वाला अंडा हो और बड़ा ही नॉर्मल रेगुलर जो व्हाइट वाले अंडे रहते हैं वो अगर है तो वो बड़े ही रहते हैं, तो वो बराबर एक में तो हो जाएगा। अगर आपको चाहिए एक ही अंडा यूज़ करना है तो 1-2 टेबलस्पून पानी डाल दीजिएगा, पर मैंने दूसरा अंडा डाला है। और अब छन्नी के ऊपर मैंने 5-10 मिनट इसे जो मच्छी है ना उसे छानने के लिए रहने दिया था, अब इसमें डाल दीजिए और बहुत अच्छे से हल्के हाथ से इसे मिक्स कीजिए। मच्छी को है ना, कोई भी तरीके की मच्छी हो, आप कभी भी बनाए, बहुत ही डेलिकेटली मच्छियों को हैंडल कीजिए। तो ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप चाहें तो इसे ढककर फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख सकते हैं, या इसी टाइम पर आप फ्राई कर सकते हैं। मैं इसे ढककर फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए 1-1.5 घंटे के लिए रख देती हूँ। 1-1.5 घंटा हो गया है मच्छी मैरिनेट होके, तो यहाँ एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए। तेल गर्म हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए। और अब यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर वेल कोट करते हुए हमारी जो मच्छी के स्ट्रिप्स हैं ये डाल दीजिए। फ्यू एट अ टाइम डालें, सारे एक साथ मत डालें, बैचेस में फ्राई कीजिए मीडियम आंच पर। और इसे 1/2 मिनट तक तो पहले फ्राई होने दीजिए, 1/2-1 मिनट हो जाए तो फिर उलट पलट करते हुए मीडियम आंच पर इसे फ्राई कर लें। तकरीबन समझिए ना 3-4 मिनट ही फ्राई करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और क्रिस्पी नहीं हो जाते। जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन 3-4 मिनट में हो जाएंगे, क्रिस्पी भी हो जाएंगे बाय द टाइम, और मच्छी है, मच्छी तो अंदर से आराम से 3-4 मिनट में पक जाती है। तो 4 मिनट हो गए हैं, यहाँ क्रिस्पी भी हो गए हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। तो मैं इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं रख रही हूँ, मैं छन्नी के ऊपर रख रही हूँ, सो दैट सॉगी ना हो जाए। टिश्यू पेपर के ऊपर आप रखेंगे तो थोड़े से नरम पड़ जाएंगे। इसी तरीके से बैचेस के अंदर फ्राई कर लीजिए हमारे सारी ये जो स्ट्रिप्स हैं मच्छी के। मैंने ये फिश फिंगर्स के साथ साथ ना लेमन बटर गार्लिक मच्छी भी बनाई है अभी। तो ये जो मच्छी है ना फिश फिंगर्स, मैंने पूरी 400 ग्राम फ्राई नहीं कर रही हूँ अभी, मैं शाम को फ्राई करूँगी। आप चाहें तो पूरी इसी समय फ्राई कर सकते हैं। तो ये बन गई हमारी बढ़िया सी क्रिस्पी इजी डिलिशियस फिश फिंगर्स। मैं यहाँ गार्लिक मायो चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी टमाटर सॉस या फिर किसी भी शेजवान चटनी के साथ सर्व कीजिए। अच्छा, मैंने कुछ मेरी रेसिपीज़ सी फूड की मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड की है, पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। लेमन बटर गार्लिक मच्छी का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।